आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फिश करी की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 kg रोहू फिश लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसकी ग्रेवी जो है ना वो किसी भी मछली में बनाकर डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। मछली में अच्छा सा कलर आने के लिए हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे मसालों को ना हम मछली में अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये बहुत ही चटपटे बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सारे मछली में ना मसालों को अच्छे से कोट कर लिया है और अब इन्हें हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट पे। तो जब तक मछली रेस्ट कर रही है हम इसके लिए ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो खड़े मसालों का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। तो 1 चम्मच लेंगे धनिया, 1 चम्मच लेंगे जीरा, 1/2 चम्मच लेंगे काली मिर्च या 20 से 30 दाने लेंगे काली मिर्च का, 1 चम्मच लेंगे काली वाली सरसों या इसे तोड़ा सरसों भी कहते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तीखा होता है, झालदार होता है, तो इसे मछली बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सरसों, 15 से 20 है लहसुन का कली, 2 सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का लेंगे, 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हमने इस मछली की ग्रेवी को बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे पोस्तो, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं, 1 चम्मच है। पहले से ही हमने गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था और अब हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ना एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। और चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो हम उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए हमने बहुत थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और तेल को धुआंदार होने तक ना गर्म करेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मछली के पीसेस को डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि चीटे जो है ना हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मछली को हमने डाल लिया है और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इनको हल्का क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। दोनों तरफ से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं मछली जो है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। आप मछली को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डीप डीप फ्राई किया है। और इसी तरह से बचे हुए मछली को जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सारे मछली को फ्राई कर लिया है। और अब सेम कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का लेंगे और इसे 2-3 पार्ट में तोड़ देंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से पका लेंगे और इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है मछली में। तो अब हम इसमें जो पेस्ट बनाए थे ना मसालों का, उन मसालों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। बस 2 मिनट ही भूनना है हमें मसालों को। और जैसे 2 मिनट हो जाएगा ना हम इसमें टमाटर की प्यूरी को डाल देंगे। तो 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है हमने और अब हमें इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है और फ्लेम को लो कर देना है और 5 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है। बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले जो है ना वो भुनना स्टार्ट हो गए हैं, पर ये अभी अच्छे से भुने नहीं हैं। हमें इन्हें दोबारा से कवर कर लेना है और कवर करते हुए हम इन्हें 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मसाले जो है ना वो बहुत अच्छे से पक गए हैं, तेल सेपरेट होने लगा है। तो अब हमें इसमें पानी डालना है, जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए कवर कर लेंगे और 3 से 4 उबाल आने तक हमें इन्हें पकाना है। और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए ना तो हमें इसमें मछली के पीसेस को डाल देनी है।
और अब हमने सारे मछली के पीसेस को डाल दिया है और ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस धनिया पत्ता सॉफ्ट होने तक पकाना है और इन्हें कवर करके गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया फिश करी की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर इस तरीके से आप बनाइएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।